नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज का ये खास शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस की तरफ से। वेल, मसालों में अच्छी खासी उठापटक हमने पूरे साल में रहते हुए देखी है, लेकिन हल्दी कुछ खास है क्योंकि हल्दी के भाव में यहां पर और बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। जो फसल है पिछले साल के कंपेरिजन में ज्यादा है, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक बिल्कुल नहीं है, तो 2025 में यहां पर शायद शॉर्टेजेस हो सकती हैं। इस तरह की खबरें हमने यहां पर काफी एक्सपर्ट से आते हुए देखी हैं, लेकिन ओवरऑल एज मसाले और हल्दी को लेकर अब आगे किस तरह की सेंस है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या एनालिसिस हैं, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं, मिस्टर प्रभात कुमार हॉर्टिकल्चर कमिश्नर हैं और सुमित गुप्ता मैकडॉनल्ड पेल्स के इंडिया एमडी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहां पर साथ जुड़ने के लिए। प्रभात जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं ओवरऑल भारतीय बाजार को मसालों के तौर पर, क्योंकि हम काफी जाने जाते हैं इस लिहाज से, और अब हल्दी को लेकर क्या सेंस है? ये मसालों को लेके आपको पता है कि भारत आज से नहीं प्राचीन काल से जाना जाता है, और मसालों के लिए ही कहा जाता है कि देश को खोजा गया था। और अगर आप जाएंगे नीदरलैंड, वहाँ भी अभी भी लोग शो करते हैं वहाँ पे जो मसालों की कुटाई कैसे बनाता है, कैसे आया है। तो मसाला हमारा, जो हल्दी के बारे में कहें तो 4000 वर्ष पूर्व हमारा हल्दी के बारे में लिखा गया कि हल्दी हमारे लिए फायदेमंद है। और जब मनुष्य अपने जीवन में अपनी यात्रा पूरी करता है तो दो प्रकार की इम्यूनिटी उसकी होती है, तो जो उसे इनेट मिली होती है, जो उसे अपने जीन से मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल इम्यूनिटी, और एक होती है जो हम एक्वायर्ड करते हैं इम्यूनिटी को। तो हल्दी एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कोविड के बाद देखा गया, और इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। पहले तो भारत देश अगर आप देखें तो 78% करीब टोटल प्रोडक्शन करता है, और इसे कहेंगे तो ग्रेट अपना हाईएस्ट कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। तीनों चीज़ें ये देश अपना है, और इसमें जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो सबसे अच्छी बात है कि सामान्यतः एग्रीकल्चर कमोडिटी में अगर आप पाएंगे तो आप देखते हैं मिडिल ईस्ट में जाता है या हमारे एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं। लेकिन हल्दी के केस में हम लोग यूएस में करते हैं, यूरोप में करते हैं, और इसके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो ओलियोरेजिन है जो इससे निकाला जाता है उसको भी हम लोग एक समय एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बाहर से जो हल्दी इम्पोर्ट करते हैं उसको भी रीप्रोसेस करके दोबारा उसको करते हैं। तो वैल्यू एडिशन से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और जो इकोनॉमी में ग्रोथ होती है वो भी इस क्षेत्र में देखा जा रहा है। और इसमें भारत देश में चूंकि हमारा रिलीजियस रहा है, सेरेमोनियल रहा है और हेल्थ के लिए भी रहा है, तो हमारे यहाँ इस पे जो ज्ञान हम लोगों ने इकट्ठा किया वो बहुत अच्छा रहा, और समय समय पे सरकार ने इसका संज्ञान लिया और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च डेडिकेटेड काम करता है। दूसरा हमारा एक डायरेक्टरेट ऑफ अरेकानट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट है, वो इसके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे काम करता है, वो रिसर्च एक्टिविटीज पे काम करता है, और भारत सरकार की जो स्कीम है मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, उसके तहत हम राज्यों में उनसे जो एनुअल एक्शन प्लान आता है उसमें एरिया एक्सपेंशन के लिए भी हम लोग उनमें सब्सिडी देते हैं, जिससे कि एरिया एक्सपेंशन भी इसका बढ़ता है। प्रभा जी, एक और चीज तो है यहाँ पर, एरिया एक्सपेंशन तो है, लेकिन जहां पर यील्ड बढ़ाने की बात है, काफी प्रकार की हल्दी यहाँ पर की जाती है, उन चीजों पर किस तरह का काम है? जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा रिसर्च इकोसिस्टम और डेवलपमेंट इकोसिस्टम दोनों इस देश में बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि अभी जो हमारी उत्पादकता को अगर देखें तो राज्यवार अगर हम 20 राज्यों में हल्दी करते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे जहां आज हम खड़े हैं महाराष्ट्र में, तो इसका एरिया सबसे ज्यादा है देश में, लेकिन अगर हम उत्पादकता की बात करें तो ये 3300 के करीब है इसका। अगर वहीं पे हम तेलंगाना में जाते हैं तो 7000 के करीब है। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है इसको हमें कम करने की जरूरत है, और उसके लिए मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे संस्थानों ने काफी अच्छी वैरायटीज निकाली हैं, और उन वैरायटीज को जो हमारी उनको यूज करना चाहिए। और दो प्रकार की वैरायटी हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे उत्पादकता के साथ साथ जिसमें कुरकुमिन परसेंटेज भी ज्यादा हो। तो इसमें हमारी जो IISR से बड़ी अच्छी वैरायटीज निकली हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से भी निकली, जैसे आपका नरेंद्र देव आपने सुना होगा अयोध्या, वहां से दो तीन वैरायटीज निकली हैं, राजेंद्रा 2 करके राजेंद्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली वैरायटी, कोयम्बटूर से कोयम्बटूर 1 निकली, रोमा, इस तरीके की वैरायटीज निकली जिनकी उत्पादकता अच्छी है। तो आज आवश्यकता ये है कि चूंकि आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हम लोगों ने बताया भी कि आप वैरायटल चेंज में जाइए, अगर वैरायटी चेंज करते हैं तो आपको उत्पादकता में फायदा होगा। एब्सोल्युटली, तो जैसे आपने कहा वैल्यू एडिशन और वैरायटल चेंज, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी यहाँ पर। प्रभात जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हल्दी पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हॉर्टिकल्चर की भी यहाँ पर बात की जाए, एग्रीकल्चर पर काफी तवज्जो है, काफी फंड एलोकेशन है, कई सारी यहाँ पर स्कीम्स भी आ रही हैं, तो यहाँ पर अब क्या प्लान है आगे जाकर ओवरऑल सेक्टर के लिहाज से?
अभी हॉर्टिकल्चर में बड़ा अच्छा भविष्य है देश का, क्योंकि 28 मिलियन हेक्टेयर के करीब हमारी एरिया है और जिससे हम लोग 352 मिलियन टन क्रॉस कर गए प्रोडक्शन में, तो ये बड़ी सफलता मिली है। और इसका श्रेय जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी को जाता है और हमारे जो किसान भाई हैं वो काम करते हैं। इस जर्नी में हम लोगों ने एक चीज़ ये लर्न किया कि क्या हमारा जो पे लॉस होता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, इसे कैसे कम किया जाए। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लस्टर बेस्ड प्रोडक्शन के बारे में कहा, तो हम कमोडिटी स्पेसिफिक क्लस्टर बेस्ड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि हमारा एक क्लस्टर बनेगा, तो क्लस्टर में हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी आएगा और फार्मर को एक अच्छी इनकम मिलेगी। तो जो हमारा 5-18% जो डेटा कहता है वो लॉसेज होते हैं, तो कभी कभी लोगों के जैसे छोटे हैं मझले किसान हैं उनके यहाँ 20-25% भी हो सकता है। तो वो उस लॉस को कम करने के लिए क्लस्टर बेस्ड हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्लस्टर बेस्ड में कंप्लीट वैल्यू चेन, मतलब हमारा प्री प्रोडक्शन भी ध्यान में रहेगा, पोस्ट प्रोडक्शन भी रहेगा और मार्केटिंग भी रहेगा। तो टोटल इकोसिस्टम जब मेच्योर हो जाएगा तो एक्रूड जो बेनिफिट है वो फार्मर को भी आसान होगा। तो ऐसी एक हम लोग योजना के साथ आ रहे हैं। जी एक फाइनल सवाल है आपसे, और ये कि जो अभी इतनी ज्यादा बारिश हुई है कई इलाकों में, चाहे वो गुजरात था, महाराष्ट्र था, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और माना जा रहा है कि अगला हफ्ता 10 दिन भी ऐसा ही रहेगा। कुछ अर्लियर इनिशियल असेसमेंट्स हैं कि यहां पर कुछ यील्ड को लेकर या फसल को लेकर डैमेज है? ये स्पोरैडिक है। अगर आप देखें तो इस बार का जो हमारा रेनफॉल फोरकास्ट है वो एबम नॉर्मल है। तो एबम नॉर्मल के दो फायदे भी होते हैं, अगर हमारे पास अगर रेनफॉल प्रॉपर रहता तो जो सोइंग प्लानिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द हार्टिकल्चरल क्राप, पर्टिकुलरली जैसे कि हम बात करें तो बागवानी में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आई है, लेकिन जो हमारी सीजनल क्राप्स होती हैं जहां पे टोरेंशियल रेनफॉल हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं हैवी डाउनपोर, वहां प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो मानसून अच्छे होने से क्राप जो उत्पादन है वो ज्यादा अच्छा होगा। तो वो स्पोरैडिक चीजों को छोड़ दें तो बाकी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हम लोगों को फीडबैक आ रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ प्याज में क्या था, अच्छे रेनफॉल होने की वजह से, चूंकि हमारी रेनफेड कंडीशन में होती है तो वहां पे काफी अच्छा एरिया एक्सपेंशन की बातें हो रही है जो हमें राज्यों से सूचना मिल रही है। तो चलिए, हॉर्टिकल्चर में यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ऑल राइट, सुमित, अब आपसे यहां पर बात करेंगे और हल्दी में लेकर अब यहां पर आप कैसे देखते हैं फसल प्राइस में इतनी जो उठापटक देखने को मिली है, ओवरऑल असेसमेंट एज ऑफ नाउ हल्दी को लेकर क्या है? मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। हल्दी इन जनरल स्पाइसेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इस समय ओवरऑल सप्लाई चेन का, और स्पाइसेस में हम ये देख रहे हैं ओवरऑल वॉलिटिलिटी बढ़ गई है। उसका कारण यह है कि सारी दुनिया दोबारा मोर कल्चरल हो रही है, बिकॉज जैसे जैसे इफ यू कैन लिंक द ग्लोबल सिविलाइजेशन विद स्पाइसेस, जैसे स्पाइसेस ज्यादा पॉपुलर होते हैं द सिविलाइजेशन लर्न्स मोर, एंड नाउ वेस्टर्न वर्ल्ड इज कंज्यूमिंग मोर स्पाइसेस, दे आर अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ इट। तो ये सप्लाई लेड शॉर्टेज नहीं है, ये डिमांड लेड रेवोल्यूशन है। और हम आज देख रहे हैं स्टारबक्स कर्क्यूमिन शॉट्स दे रहा है, एंड द किड्स इन यूएस इन यूरोप दे आर टेकिंग कर्क्यूमिन शॉट्स, उनका टेबलेट्स खा रहे हैं विच इज बीन गिवन बाय एवरी डॉक्टर नाउ। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस कि लोग इसके प्रति ज्यादा संवेदनशील जाग रहे हैं, एंड हम ये देख रहे हैं पोस्ट कोविड पीपल हैव फोकस्ड ऑन हेल्थ, नंबर वन। नंबर टू, हेल्थ फोकस के अलावा हमारी सप्लाई मोर और लेस कंसिस्टेंट है। लास्ट दो साल में एलनीनियो के कारण तेलंगाना, विदर्भ, नॉर्थ महाराष्ट्र, जो तीन जगह हल्दी होती है वहां प्रोडक्शन बहुत कम हुई, और उसके कारण हमारे एंडिंग स्टॉक लगभग जीरो पे चले गए हैं। इस साल जब हमारी बारिश वापिस आ रही है तो प्रोडक्शन वापिस आ रही है, इसके कारण फर्स्ट पाइपलाइन फिल होगी लेकिन डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। एंड मैं ऐसे बोलूंगा कि हमको ज्यादा वॉलिटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। जो हमने प्राइस एस्केलेशन देखा पिछले सालों में शायद वो इमीडिएटली ना हो, बट वी शुड बी रेडी फॉर वेरी वॉलेटाइल मार्केट्स। जी, आई थिंक मसालों वालों के लिए कुछ नया नहीं होगा वो, लेकिन सुमित, पिछले साल 40-45 लाख बैग था, इस बार 70 लाख बैग की बात की जा रही है, तो किस तरह का कैरी फॉरवर्ड और क्या 2025 के लिए यहां तैयार रहना चाहिए एक कमी के साथ? एब्सोल्युटली, मैं ऐसे बोलूंगा कि आज टर्मरिक की प्रोडक्शन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि मेज कल्टीवेशन बढ़ रही है, बिकॉज ये को प्लांटिंग होती है बहुत सारे एरियाज में। मेज का प्राइस आज 29 रुपया हो गया है, एंड इट इज गिविंग इंसेंटिव फॉर निजामाबाद फार्मर टू प्लांट मोर टर्मरिक। उसके अलावा जब हम प्रोडक्शन की बात 45 लाख से 70 लाख बैग की बात करते हैं, अभी तो लंबा सीजन हमारे सामने अभी पड़ा है, बिकॉज अभी तो मेज हार्वेस्ट होगा, उसके बाद टर्मरिक का हार्वेस्ट आगे जाके आएगा। उसके अंदर हमको रेनफॉल स्प्रेड, जो मॉनसून, जो सर ने भी बोला कि नॉर्मल्स अभी थोड़े एबनॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन हमको रेन ऑलवेज मेक ग्रेन, जब भी बारिश अच्छी होगी तो प्रोडक्शन मूलतः अधिकतर तर पे
अच्छा ही होगा। और जहां तक एक्सेस स्टॉक्स की बात है, मैं ऐसे बोलूंगा कि हम नॉर्मल प्रोडक्शन की तरफ वापस जा रहे हैं, हमने कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन एक्सेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जबकि ये पाइपलाइन को फिल करेगा, इन्वेंट्रीज क्रिएट करेगा, ग्लोबल डिमांड को क्रिएट करने में और फायदा देगा। लास्ट ईयर अगर कोई डिमांड कर रहा था तो हम उसे सप्लाई करने की पोजीशन में नहीं थे। आज हो सकता है हल्दी स्टारबक्स केवल यूएस में नहीं सारी दुनिया में लॉन्च करे, बिकॉज व्हेन दे विल सी कि आज हल्दी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। एंड आई बिलीव जब भी बड़े कंज्यूमर इस मार्केट में आते हैं वो अपनी सप्लाई चेन को 2-3 महीने के लिए नहीं, 2-3 साल के लिए देखते हैं, और उसके कारण इंडियन फार्मर को बहुत बड़ा फायदा आने वाला है। और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हाउ वी मेक दिस सप्लाई चेन मोर कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म। हमको शॉर्ट टर्म तेजी मंदी से सप्लाई से नहीं घबराना चाहिए। सुमित, एक फाइनल सवाल, तो आगे जाके अब प्राइसेस कैसे नजर आते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाईज हमने देखे हैं, आपने कहा वॉलेटाइल तो भाव रह सकते हैं, लेकिन किस तरह के वॉलेटाइल? एक्चुअली प्राइस इज अ रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंडिया पीपल टेक प्राइस एज स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन प्राइस तो एक रिफ्लेक्शन है कि सप्लाई डिमांड सिचुएशन किस तरफ मूव हो रही है। और प्राइस का फंक्शन स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया वो ये है, इज टू रिड्यूस द डिमांड, स्पेशली जब सप्लाई कम हो तो यू हैव टू टेक फूड अवे फ्रॉम द प्लेट ऑफ द पीपल हु कैनॉट अफोर्ड इट। एंड दैट्स वेयर इन लास्ट 2 ईयर जब सप्लाई टर्मरिक क्यूमिन और सब स्पाइसेस की कम थी तो हमने भाव बढ़ते हुए देखे, और बिकॉज बहुत वॉलेटाइल भाव देखे, लेकिन आपको लगता है कि एक नया हाई अब यहाँ पर हल्दी में बनेगा या फिर बन चुका? मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि इमीडिएट कोई बहुत ज्यादा तेजी मार्केट के अंदर है। मार्केट जो कन्वर्ज करेगा वो बेरिश कन्वर्जेंस करेगा, बुलिश कन्वर्जेंस नहीं करेगा। तो एवरी रैली विल गिव अ अपॉर्चुनिटी टू सेल इट, ओके, विल नॉट गिव अ अपॉर्चुनिटी टू बाय। ऑलराइट, तो यहाँ पर यानी कि बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी, भाव कुछ गिर ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिस्टर कुमार आपका भी यहाँ पर समय निकालने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है, आप मत कहीं जाइए क्योंकि हम लौटेंगे और बात करेंगे कुछ और हल्दी के विशेषज्ञों से। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, मैं हूं मनीषा गुप्ता, हम बात यहां पर कर रहे हैं हल्दी की। और अब हमारे साथ मिस्टर हेमंत पाटिल हैं जो चेयरमैन है हरिद्रा के, और आप फॉर्मर एमपी भी हैं। हल्दी में आपने बहुत सारा काम किया है, मुझे याद है जब हमने पिछली बार भी हेमंत जी बात की थी तो आपने बहुत बेहद बड़ा काम यहां पर किया है। कैसे अब यहां पर है, स्टेट की वजह तरफ से क्या मदद है और किस तरह के फार्मर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पाइस बोर्ड पे भी पिछले 2.5 साल से काम करता रहा। मैंने देखा कि सब स्पाइसेस के बोर्ड है लेकिन हल्दी का कोई बोर्ड बना नहीं है, इसके लिए मैं काफी आग्रही था, तो वो हो नहीं पाया। तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट में माननीय एकनाथ शिंदे साहब जी को आग्रह किया, तो उन्होंने स्टेट में इसका बोर्ड बनवाया और जिसके लिए 800 करोड़ रुपए दिए। 3 स्तर पे ये काम कर रहा है। एक तो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना था कि इनकम डबलिंग, हम जो पौधे ला रहे हैं टिश्यू कल्चर के, जिससे उगाने के लिए 12 महीने का कालावधि था, जो 9 मंथ पे आ गया है। पर एकड़ 15 से 20 क्विंटल यील्ड आ रहा था, हमने जो नए पौधे लाए हैं इससे यील्ड 35 से 40 क्विंटल आ रहा है, और इसमें करक्यूमिन कंटेंट जो 2 से 2.5 था ये 5 तक करक्यूमिन कंटेंट आ रहा है, ये नई उपलब्धि है। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग, इसे उबालना, उसे सन ड्राइंग करना पर एकड़ 15 से 20 हजार खर्चा होता था, और जो छोटे छोटे प्रेशर कुकर जिसमें बॉइल करते थे अप्रमाणित थे या लोकल मेड थे, एक्सीडेंट्स भी होते थे। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग हम 5,000 टन का एक बड़ा प्लांट वसमंद में लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि रॉ राइजोम्स कट हो गए, चॉप्स हो गए और 4 घंटे में पाउडर में कन्वर्ट हो गए, तो काफी किसानों से इसकी बचत हो जाएगी। विदर्भ मराठवाड़ा के लिए हमने आयरेडिएशन प्लांट भी लगवाया है, यूके यूएसए के मार्केट के लिए आयरेडिएशन बहुत जरूरी है ताकि कोई कीड़ा विषाणु ना उसमें रह जाए, जो रेसिड्यू फ्री भी हो जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा आयरेडिएशन भी वहाँ पे लग रहा है, इससे जो है किसान, वैज्ञानिक, स्टूडेंट्स और सब एक जगह पे हो गए। 65 एकड़ में हिंदुहृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम से ये हरिद्रा ये बड़ा रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में हो रहा है। काफी सारा काम यहाँ पर हुआ है, किसानों के लिहाज से भी हुआ, जैसे आपने कहा इंस्टीट्यूट के तौर पर भी यहाँ पर काम अब होने लगा है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल हल्दी के मामले में, क्योंकि हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर, कंज्यूमर भी हैं यहाँ पर, जहां तक हल्दी की बात है। जो हल्दी बोर्ड की जैसे आपने यहाँ पर बात की, कितना कुछ काम यहाँ पर अब तक किया जा चुका है? अभी तो ये काफी दुर्लक्षित ऐसा स्पाइस था, क्योंकि सबके बोर्ड बने हुए जैसा टी, रबर, टोबैको, सबके बोर्ड है, लेकिन इसका बोर्ड नहीं था। अभी बोर्ड का काम चालू हुआ है,
इसको हम गोल्डन स्पाइस बोलते हैं। गोल्डन स्पाइस क्यों बोलते हैं? तो पूजा में हम हल्दी कुमकुम से लेके उसको यूज, कुमकुम भी इससे ही बनता है। हर भारतीय नारी मस्तिष्क पे उसे धारण करती है, सौभाग्य का प्रतीक। हर खाने में स्वाद के लिए, कलर के लिए यूज होता है। फिर कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, फिर दवाइयों में, औषधियों में यूज होता है। अभी भाई जापान जाके आया, तो जापान में भी काफी हल्दी यूज होती है, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, क्यों? तो हमारे इसमें जो है एसिटिलीन, इथिलीन, ये उसमें पाया जा रहा है, इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो एक्सपोर्ट के लिए क्या चाहिए, इसके लिए किसानों के लिए ट्रेनिंग देना जरूरी है, वो भी हम काम कर रहे हैं। और निश्चित स्तर पे इस पे आप देखते हैं कि बार बार नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, लेकिन जमीन के नीचे हल्दी होती है, तो इसका पौधा को कुछ खराब नहीं होता है, तकलीफ नहीं होता है, और इसके अंगीभूत इसके गुण है, ये औषधि है, तो कीड़ा भी इसको जल्दी नहीं लगता है। तो ये जो है, ये एक उज्ज्वल भवितव्य या किसानों के लिए। आज 13,000 रुपए भाव है पर एकड़, करीब करीब 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए किसानों को यहाँ पे मिलते हैं, तो ये गन्ने से भी ज्यादा है, तो ये रेट भी काफी बढ़ते रहेंगे, और इसमें एक अच्छी लागत लोग करे, किसान को भी अच्छी इससे फायदा हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। हेमंत जी, एक फाइनल सवाल, महाराष्ट्र के लिए तो आप बहुत कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, क्या बाकी राज्यों के किसानों से भी यहाँ पर कुछ बातचीत है, क्योंकि हल्दी काफी राज्य में उगाई जाती है? यहाँ पे ईरोड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से भी काफी किसान आए हुए, निजामबाद, ईरोड, यहाँ पे सेंटर्स भी है काफी। तो हम नॉलेज जो है एक दूसरे को दे रहे कि किस तरह से एक्सपोर्ट कर सके, वैल्यू चेन हम ऐड कर सके। जैसा कि कोचीन में कई सारी फैक्ट्री है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक किसानों को फायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी स्कोप है। तो जो उद्योजक लोग हैं, तो मैं ये भी मेरे प्रोडक्ट लाए हूँ जापान से, वो भी बताता हूँ वहाँ पे, तो ऐसे वैल्यू एडिशन हो गए तो निश्चित फायदा यहाँ पे होगा। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।